तरह मैं निडर होकर बोलती हूँ, उसी तरह जमीन के लिए निडर होकर लड़ती भी हूँ। हम लोग चेतावनी खुलेआम देना चाहेंगे आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से, और ज़रूरत पड़े तो हम लोग मार पिटाई भी करेंगे। यहाँ पर CNT एक्ट कानून होते हुए भी ये आदिवासियों का जमीन लूटा जा रहा है, या धड़ल्ले से किसी और फर्जी पेपर के तहत लोगों का जो गैर मजरूबा जमीन भी लूट लिए जा रहे हैं। जन जन की आवाज़ आप तक पहुंचाने के लिए जीएन भारत की टीम अखिल भारतीय आदिवासी परिषद अध्यक्ष कुंद्रेसी मुंडा से मिली और इनसे अनेक मुद्दों पर बात किया गया कि आदिवासी जमीन को बचाने के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं, आइए सुनते हैं। देखिए, आदिवासी की जमीन पहले से ही लूटी जा रही है, जब झारखंड नहीं बना था तब से ही, और अभी झारखंड बनने के बाद तो और ज़्यादा लूटी जा रही है। और रही बात मेरी निडरता की, तो जिस तरह मैं निडर होकर बोलती हूँ, उसी तरह ज़मीन के लिए निडर होकर लड़ती भी हूँ। मेरा रिकॉर्ड है कि मैंने आज तक जिस ज़मीन पर काम किया है, जिस ज़मीन को बचाने के लिए मैं गई हूँ, उस ज़मीन को बचा के ही दम ली हूँ। ये मेरा रिकॉर्ड है। और ये आदिवासियों का ज़मीन, यहाँ पर CNT एक्ट कानून होते हुए भी ये आदिवासियों का जमीन लूटा जा रहा है, या धड़ल्ले से किसी और फर्जी पेपर के तहत लोगों का जो गैर मजरूबा जमीन भी लूट लिए जा रहे हैं। भुईहरी पहनाई जमीन, जो हमारी धार्मिक व्यवस्था की जमीन है, उसे भी अभी हाल फिलहाल में आप लोग देखे होंगे कि अरगोड़ा के वहाँ के लोगों ने थाना से लेकर DC तक आवेदन दिया, लेकिन फिर भी सरकारी महकमे में कुछ हलचल नहीं हुई। लास्ट में समाज ने स्वयं निर्णय लिया और वहाँ के दलालों को भगाया, और वहाँ का बाउंड्री भी तोड़ा, दलालों को भी भगाया, और ये सब अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, गीताश्री मैडम और हमारे द्वारा हमारे संरक्षण में हुआ है। हमने उनको कहा कि ये समाज की ज़मीन है, समाज निर्णय लेगा, इसमें कोई CO, SDO, DC नहीं आएगा। हमारा संगठन आज से नहीं, पिछले 10 साल से ज़मीन बचाने के लिए लगा हुआ है, और हम लोग जहाँ भी हम लोगों को पता चलता है कि कहीं भी ज़मीन का मामला है, सबसे पहले हम लोग पेपर की जांच करते हैं, सबसे पहले पेपर देखते हैं। अगर आदिवासी टू आदिवासी की बात होती है तो वहाँ पर हम लोग सामाजिक तौर पर बैठक करके आपसी समझौता करने का पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन जहाँ पर देखते हैं कि गैर आदिवासी किसी आदिवासी की ज़मीन को लेने का प्रयास कर रहा है या छीनने का प्रयास कर रहा है गलत तरीके से, तो फिर हम लोग वहाँ सीधे हम लोग चढ़ाई करते हैं और गैर आदिवासियों को हम लोग भगाते हैं। क्योंकि CNT एक्ट में कहा गया है, लिखा गया है कि आदिवासी की ज़मीन कोई भी गैर आदिवासी नहीं ले सकता है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। मैं बताती हूँ, कुम्हार जो अरगोड़ा कुम्हार टोली, जो कडरू मौजा का जो ज़मीन है, हमने CO से बार बार रिक्वेस्ट किया कि सर उसका नापी कराइए और दिखाइए कि 2 एकड़ 56 डिसमिल कहाँ है। उन्होंने नापी का डेट भी तय कर दिया, नोटिस चिपका भी दिया गांव में, लेकिन जिस दिन नापी होना था, 19 तारीख का डेट था, पिछला महीना नापी होने का तारीख था, उस दिन CO साहब बाहर चले जाते हैं। और जब हम लोग अंचल ऑफिस गए, वहाँ देखते हैं दलाल बैठे हुए जो उस ज़मीन को कब्जा कर रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं CO साहब इसमें सम्मिलित हैं। थाना जाते हैं, थाना का कहना, थाना हस्तक्षेप नहीं करती है, लेकिन जब बाउंड्री टूट जाता है तो थाना बार बार परेशान करती है कि आप लोग मिलने आइए, मिलने आइए। लड़कों को जो लोग वहाँ अगुवाई कर रहे हैं, हमारे संगठन के लोग, उनको बोलते हैं कि बार बार मिलने आइए। DC साहब तक पता नहीं आवेदन पहुँचता है कि नहीं, कार्यालय तक ही रहता है शायद। तो इस तरह का हमारे साथ होता है। हमारी भुईहरी पहनाई जमीन जो पोखर टोली मौजा में है, एयरपोर्ट के पास, वहाँ कहा गया जमीन किसी और का, वो निजी खतियानी जमीन से कोई गैर आदिवासी, आदिवासी का जमीन से कोई गैर आदिवासी जमीन खरीदती है, 2 कट्ठा जमीन, और वो दावा करती है कि ये भुईहरी पहनाई जमीन जो 8 डिसमिल का बचा हुआ है, 5.5 एकड़ में 8 डिसमिल जमीन मात्र बचा हुआ है भुईहरी पहने जमीन, और वो भी हमारा सरना डाड़ी है, जहाँ से जहाँ का पवित्र जल उठा के लोग सरना स्थल में डालते हैं। तो ये हमारी धार्मिक भावना को ठेस पहुँचाने का काम हो रहा है कि नहीं? और वहाँ पर रास्ता निकाला जाता है, धार्मिक जमीन का, धार्मिक स्थल का बाउंड्री को तोड़ा जाए, तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, और किसी भी हालत में हम लोग तो उस बाउंड्री को हम लोग तोड़ने नहीं देंगे। नहीं, देखिए, हमारे संगठन के तरफ से तो सरना झंडा हम लोग गाड़ते नहीं है किसी भी ज़मीन पर।
दूसरे संगठन के लोग या दलाल लोग जहाँ पर जाते हैं वो लोग गाड़ते होंगे और हम लोग इसका घोर निंदा करते हैं, विरोध करते हैं, क्योंकि सरना झंडा हमारा धार्मिक झंडा है, उसे सिर्फ और सिर्फ धार्मिक स्थल में ही हम लोग देखना पसंद करेंगे। किसी का निजी ज़मीन में सरना झंडा नहीं गड़ना चाहिए। हम लोग चेतावनी खुलेआम देना चाहेंगे आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि अगर आप लोग इस तरह से करते हैं तो हमारा संगठन अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद आपके ऊपर कार्रवाई करेगा। और कहीं पर से भी ये शिकायत आती है कि निजी ज़मीन में जमीन दलाल सरना झंडा गाड़कर और उसको कब्जा करने का कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो हमारे ही आदिवासी समाज का क्यों ना हो, हम लोग इस पर कार्रवाई करेंगे और ज़रूरत पड़े तो हम लोग मार पिटाई भी करेंगे। मैं कुंद्रेसी मुंडा, रांची जिला अध्यक्ष, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद। तो आपने सुना कि कुंद्रेसी मुंडा ने क्या कहा, ये जो जमीन दलाल है उन पर इनकी निडरता भारी पड़ सकती है। जीएन भारत के लिए रांची से वीडियो जर्नलिस्ट सोनू पांडे के साथ मैं राशिका बजाज। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।